हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे साथ हंसराज स्टडी मटेरियल में और आज है 7 अप्रैल। हम लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप हमें हमारे फेसबुक पेज हंसराज स्टडी मटेरियल पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर आ गई है? 101वां स्थान। यह रैंकिंग 4 अप्रैल को जारी की गई थी और इसमें बेल्जियम, देखिए भारत जो है वो 121 स्थान पर रहा और पहले स्थान पर कौन रहा? बेल्जियम पहले स्थान पर, फ्रांस दूसरे पर, ब्राजील तीसरे स्थान पर रहा। और अगर एशियाई देशों की बात की जाए तो एशियाई देशों में भारत 18वें स्थान पर रहा। तो विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? भारत 101वें स्थान पर और एशियाई देशों में 18वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत व इटली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में रिंजिन द्वार का उद्घाटन कहाँ किया है? शिमला में। देखिए शिमला जिले में सेना के एक अधिकारी के नाम पर रिंजिन द्वार, इसका नाम रखा गया है। इस द्वार का नाम रिंजिन द्वार रखा गया क्योंकि ये सेना में एक अधिकारी थे और ये एक पर्वतारोही थे जिनके नाम पर इस द्वार का नाम रिंजिन द्वार रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की रेटिंग को किस श्रेणी में रखा है? BBB श्रेणी में, देखिए BBB श्रेणी में रखा है और निवेश श्रेणी में यह निचले स्तर की रेटिंग है। रेटिंग से अर्थ है रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की कर्ज लेने या उसे चुकाने की अक्षमता का मूल्यांकन होती है, अर्थात कोई देश या संस्था आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और वह ऋण चुकाने में कितना समर्थ है, इसे ही जारी किया जाता है रेटिंग के माध्यम से। और AAA श्रेणी सबसे ऊपर की श्रेणी है, AAA से नीचे की श्रेणी है AA, BBB और CC और D, और डी श्रेणी जो है वो सबसे लास्ट की और सबसे नीचे की श्रेणी है इसमें। तो भारत की एजेंसी को फिच ने किस में, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की रेटिंग को किस श्रेणी में रखा है? BBB श्रेणी में। किस कंपनी ने हवाई उड़ानों में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है? BSNL ने। देखिए BSNL के फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में नए एंजाइम की खोज की है? CCMB, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसने एक नए एंजाइम की खोज की है और इस एंजाइम का नाम है सेसर्स एंजाइम। यह एंजाइम बैक्टीरिया की परतों की दीवार को तोड़ने में सक्षम है। देखिए कुछ बैक्टीरिया से अच्छे भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया हानिकारक ही हो। और यहाँ हम बैक्टीरिया से होने वाले कुछ बीमारियों के नाम देखेंगे, कौन कौन सी बीमारी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है TB, कुष्ठ, टीटिनस, हैजा, प्लेग, टाइफाइड आदि। ये बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली है और इसे इन बैक्टीरिया की दीवार को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है सेसर्स एंजाइम। तो कौन से किस संस्थान ने इस एंजाइम की खोज की है? CCMB ने और इसका नाम है सेसर्स एंजाइम। नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में कलकत्ता के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? TBN राधाकृष्णन को। देखिए TBN राधाकृष्णन को कलकत्ता के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, शाहरुख खान को किस यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? ये किया है द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन। देखिए लंदन की एक यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जिसने शाहरुख खान को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 कब से शुरू हुआ है? ये हुआ है 1 अप्रैल से और ये 1 अप्रैल से, ये सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा। देखिए भारत में लगभग 10 मिलियन लोग अंधेपन से पीड़ित है और दुनिया भर में लगभग 37 मिलियन लोग अंधेपन से पीड़ित है और इसकी शुरुआत, इस प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर ने 1960 में की थी। तो ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से और 7 अप्रैल तक ये चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोदी
जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन वेब सीरीज को किस एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ने तैयार किया है? ये क्या है? इरोज नाउ ने। और उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी यह वेब सीरीज 10 भागों में बनाई गई है और इसका हर भाग 35 से 40 मिनट का होगा। इसमें नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष की आयु से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। इसे मेयर भोटा और राधिका आनंद ने लिखा है। देखिए, प्रधानमंत्री के जीवन पर अभी हाल ही में एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। देखिए, भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को और यह 1964 से मनाया जा रहा है और इसका विषय था हिंद महासागर अवसर का महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि जान का खतरा होने पर महिलाएं 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात करा सकती है? कहा है बंबई हाई कोर्ट ने। देखिए, दिसंबर 2018 में आयरलैंड ने जान का खतरा होने पर महिलाओं को गर्भपात की अनुमति दी थी क्योंकि 2012 में कर्नाटक की 31 वर्षीय सविता हलप्पनवार की गर्भपात की अनुमति न मिलने के कारण मौत हो गई थी। देखिए, कर्नाटक की एक महिला थी सविता जिन्हें जान का खतरा था लेकिन इन्हें फिर भी गर्भपात की अनुमति नहीं मिली थी जिस कारण इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी और तभी से आयरलैंड इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहा है। तो इसी में आयरलैंड ने 2018 में जान का खतरा होने पर महिलाओं को गर्भपात की अनुमति दी थी। अब बंबई हाई कोर्ट ने भी यह कहा है कि अगर महिलाओं को जान का खतरा होगा तो वे गर्भपात करा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेबी ने हाल ही में किस कंपनी को स्टॉक ब्रेकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? ये की है पेटीएम को। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वर्ष 2019-20 के लिए कितना रखा है? 7.2% और जीडीपी के परफॉर्म होते हैं, जीडीपी से मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेटर को निलंबित किया है? दिलहारा लोकोहेटी में। देखिए, श्रीलंका के एक खिलाड़ी है, क्रिकेटर है दिलहारा लोकोहेटी में, जिन्हें आईसीसी ने निलंबित किया है क्योंकि इन पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने बीमा उत्पादों के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? कर्नाटक बैंक ने और इस बैंक का मुख्यालय है मैंगलोर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय नौसेना के लिए कितनी पनडुब्बी खरीदने वाला है? 6 पनडुब्बी और ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75-1 के अंतर्गत मिलेगी और इन्हें 500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल से लैस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश में रोबोट चौकीदार तैनात किया गया है? ये किया गया है चीन में और इसका नाम है मेई वानो। आज का प्रश्न है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।